प्रजापति के साथ न्यूज स्टेट ने खास बातचीत किया है, सुनाते हैं। पंद्रह अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, प्रदेश की तमाम जेलों से ऐसे कैदियों को आजाद किया जाता है जिनका आचरण और व्यवहार अच्छा हो। आखिर इनका मापदंड क्या होता है, जानने के लिए हम जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से बात करेंगे। मंत्री जी, पहले तो मापदंड आप हमें बताइए कि किस तरीके से जेल में जो कैदी छोड़े जाते हैं उनका क्या कुछ मापदंड होता है। हमारी दया याचिका होती है, फार्म ए होता है, स्थायी नीति होती है, उसके आधार पे बंदियों के आचरण के आधार पे ये सब व्यवस्थाएं होती हैं और उसी आधार पे फिर फाइलें भी चलती हैं। उसमें हमारे वहाँ के पुलिस कप्तान और DM की रिपोर्ट भी उसके मंगाई जाती है, उसमें जो भी उनकी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट है उस आधार पे सब ये व्यवस्थाएं होती हैं। अब तक कितने कैदियों को छोड़ा जा चुका उत्तर प्रदेश में, जिनका जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा की सरकार बनी है और जब जब माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई है तब तब उनका कहना है कि जिनके आचरण अच्छे हैं, सजा पूरी हो गई है और जो बीमार रहते हैं या उम्र ज्यादा है, ऐसे कैदियों को जिस नीति में आते हों उस नीति के आधार पर ज्यादा से ज्यादा छोड़ा जाए और हम उस प्रक्रिया में लगे भी हैं। पहले 15 अगस्त 26 जनवरी पे अक्सर करके छोड़ जाते थे, अब हमारी सरकार ने 10 दिन ऐसे तय किए हैं कि उसके आधार पर हम निरंतर, और फिर हमारा ये प्रक्रिया अब निरंतर हो गई है, निरंतर हम इस कार्य में लगे रहते हैं, निरंतर हमारी फाइलें चलती रहती हैं। माफिया डॉन, अगर हम बबलू श्रीवास्तव की बात करें जो बरेली जेल में सालों से बंद है अपने कुछ साथियों के साथ, एक चर्चा उड़ती हुई आ रही है कि उन सभी को इस बार छोड़ा जाएगा क्योंकि जेल से ही कोई उनकी रिपोर्ट जो है वो आगे दी गई है, लेकिन DM बरेली ने एक नोटिस, कारण बताओ, नोटिस जो है वो जेलर को दिया कि आखिर ये अफवाह बाहर कैसे आई, तो इस सफर क्या गया? देखिए, मेरा इसमें मानना है कि बबलू श्रीवास्तव की जो CBI के आधार पर वो जेल में 20 साल की सजा हुई और वो उस आधार पर जेल में है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। जो भी है वो फाइल केंद्र से चलेगी और केंद्र ही तय करेगा, स्टेट सरकार कुछ नहीं उसमें कर सकती है। फिर सवाल पूछूंगा कि DM SSP ने अभी जो DM ने जो कार्ड बता नोटिस दिया, जांच कमेटी बैठाई, अगर दोषी पाया जाता है तो आपकी तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? मैं कह ही नहीं सकता इस विषय पे, मुझे पूरी ये नहीं है कि DM ने जांच कराएंगे। नहीं, DM ने SP ने ऐसा कुछ किया है ये जानकारी हमारे तक विषय आएगा तो उस पर जैसा भी होगा हम देखेंगे। मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज।